हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कुमार रिपेयरिंग हाउस में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम कम्प्लीटली सिखाएंगे दोस्तों डीजे लाइट को रिपेयर करना, जो कि हमारे पास शोभा कंपनी की एक डीजे लाइट है। और इसकी प्रॉब्लम जो है दोस्तों पावर सप्लाई की है। और आप पुराने से भी डीजे लाइट को आप आसानी पूर्वक से रिपेयर कर सकेंगे। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें दोस्तों, और इससे आसानी पूर्वक से आप रिपेयर कर सकेंगे। तो ये जो शोभा कंपनी की जो पावर सप्लाई है, आप देख सकते हैं 36 प्लस 12 वोल्ट की SMTS लगा हुआ है। और इसका जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इसे हम ट्रांजिस्टर जब भी लगाते हैं दोस्तों इस ट्रांजिस्टर को, तो ये ट्रांजिस्टर बार बार शॉर्ट हो जाता है। तो इसके लिए दोस्तों हम आज एक कमाल का ट्रिप लेकर के आए हैं, जिसकी मदद से आप ऐसे पावर सप्लाई को आसानी पूर्वक से रिपेयर कर सकेंगे। तो हमारे पास 5-24 वोल्ट का एक मॉड्यूल है, जो कि LED TV पर लगता है। उसे हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस सप्लाई पर, और कम्प्लीटली इसे हम बना के भी दिखाएंगे दोस्तों। और इसमें देख सकते हैं, यहाँ जो एक NOV लगा हुआ है, इसे दोनों ओर से पिन को उठा लेना है, जो कि एक नंबर और दो नंबर पिन पर है। और इस SMTS मॉड्यूल पर इस तरह का कार्ड रहता है, जिसमें भी एक NOV इस तरह से लगा हुआ रहता है। और इसमें भी एक जो है ब्लू कलर का और एक पीला कलर का वायर निकालना है, और ये माइनस प्लस है, जिसमें कंडेंसर पर हमें सेट करना है। तो इसकी जो वायरिंग है दोस्तों, इसे कम्प्लीटली आप सीखें और ऐसे पावर सप्लाई को आप आसानी पूर्वक से रिपेयर कर सकेंगे। तो यहाँ एक बिंदा लगा हुआ है, ये एक नंबर पिन है। और एक नंबर पिन जो है दोस्तों, इस NOV में इस वायर को हमें सेट करना है। आप इसे ध्यानपूर्वक से देखिए, स्किप करके मत देखिए। और ऐसे फेंके हुए जो पावर सप्लाई है दोस्तों, उसे भी आप आसानी पूर्वक से रिपेयर कर सकेंगे इस तरह से। अगर कम्प्लीटली देखेंगे आप वीडियो दोस्तों, तो एक भी पावर सप्लाई आप मिस नहीं करेंगे, आप कम्प्लीटली इसे बना पाइएगा। और ये दोस्तों, आप आसानी पूर्वक से भी इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। इस मॉड्यूल को जो है आसानी पूर्वक से आप मार्केट से ले सकते हैं। और ये दो नंबर पिन पर जो है NOV का, इसे ये ब्लू कलर का जो वायर है, इसे सेट करना है। तो ये दोनों वायर जो है इस तरह से सेट कर लेना है हमें। और इसका जो नेगेटिव पॉजिटिव वायर है, आप देख सकते हैं, यहाँ भी एक NOV के साथ एक नंबर, और दूसरा NOV के साथ एक नंबर, और जो तीसरा है दोस्तों, ये जो माइनस प्लस है, इसे भी हम सेट करके आप सभी को हम दिखाएंगे। और इसे कम्प्लीटली दोस्तों हम स्किप नहीं करेंगे, बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को हम बना रहे हैं, ताकि आप सब समझ सके अच्छी तरह से। और इसी जो हीट सिंक है, इस हीट सिंक को हमें यहाँ से कनेक्ट करना है, और इस जगह जो है एक स्क्रू को हमें लगा देना है। इस वीडियो के साथ आप शुरू से अंत तक बने रहें, हम बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को हम दिखा रहे हैं, ताकि आप सभी को समझने में कोई भी कठिनाई नहीं हो। तो ये माइनस प्लस की जो वायर है, इसे देखना है। ये जो ट्रांजिस्टर का बीचों बीच लगा हुआ रहता है, इस पर हमें प्लस पॉइंट पर हमें कनेक्ट करना है। तो इस प्लस पॉइंट पर जो ट्रांसफार्मर की और जो लकीर आई हुई है दोस्तों, ये सर्किट है, उस सर्किट के साथ हम इस प्लस को कनेक्ट कर दें। और ये माइनस जो है, माइनस आप देख सकते हैं कंडेंसर की माइनस जो है, इसी के साथ हम इसे जो है लगा देनी है। तो इस तरह से जो वायरिंग है, ये कम्प्लीट हो चुकी है। अब जो है दोस्तों, कुछ कंडीशन को फॉलो करना है, जो उसे भी हम अच्छी तरह से दिखा लेते हैं आप सभी को। ये जो प्लस है दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर का जो बीच का सिरा रहता है, उसी के साथ हमें इसको कनेक्ट करना है। और माइनस जो है, माइनस तो आप कंडेंसर पर लिखा हुआ है, इसी के साथ हमें जो है कनेक्ट कर देना। तो माइनस प्लस में कोई गड़बड़ी नहीं करना है। अब रहा जो है दोस्तों NOV, NOV का जो एक बिंदा जैसा जो दाग रहता है, बिंदा दाग, उसी के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, एक और दो दोनों सिरा को हम इस तरह से आपस पर टच कर देना है। और इसका जो वोल्टेज कम ज़्यादा करने का है, उसे हमें कनेक्ट नहीं करना है। तो एक बार जो है दोस्तों, इसे अच्छी तरह से हमें सेट करके एक बार टेस्ट करके देखना है। तो चलिए हम इसी लाइन दे करके अब देखते हैं दोस्तों। ये पुराना जो शोभा लाइट था, पड़ा हुआ था, कस्टमर ने हमें दिया है रिपेयर के लिए। और आप देख सकते हैं, ये कम्प्लीटली जो है, ये इसी पर कोई भी हमें फॉल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये जिस तरह से आगे जलता था, उस तरह से अभी भी जल रहा है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आप सबके लिए। अगर हमारे चैनल पर आपको
इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कोई भी वीडियो देखना है तो इस चैनल पर बने रह सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली ऐसे ही नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।